नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज के इस लेक्चर में हम जून महीने के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज के इस लेक्चर में एनालिसिस करेंगे, यानी कि पूरे एक महीने का। पिछले लेक्चर में हमने मई महीने का पूरा कंप्लीट कर लिया था और मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा शिकायत है क्योंकि हम नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर में कुछ ज़्यादा ही पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि इस हफ्ते तक आपका नेशनल करेंट अफेयर भी रेगुलर हो जाएगा, यानी कि जून का ही कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिनों में आपका जुलाई भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद अगस्त, और उसके बाद फिर हम जैसे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर रेगुलर अपडेट कर रहे हैं उसी प्रकार से इसे भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो फिक्र ना करें, इस हफ्ते तक मुझे टाइम दे दीजिए, उसके बाद आपका ये भी पूरी तरह से रेगुलर हो जाएगा। ठीक, PDF अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलता है आपको पता है? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। PDF इंपॉर्टेंट होता है आपके नोट्स बनाने के लिए और रिवीजन के लिए, तो PDF वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें रेगुलर करेंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए, और लाइक और शेयर ये आप पे डिपेंड करता है, पसंद आए तो जरूर करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जून महीने में रिलीज किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से। इस इंडेक्स को जारी किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को, शॉर्ट में ITU भी कहा जाता है। तो इस एजेंसी के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है और यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। ठीक, इसकी तरफ से इस इंडेक्स को जारी किया गया है। और इंडिया की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इस साल इंडिया ने इस रैंकिंग के अनुसार बहुत बेहतर स्थिति प्राप्त किया है। टोटल 37 स्थानों का सुधार हुआ है पिछले रैंकिंग के कंपैरिजन में। इस वर्ष इंडिया की जो रैंकिंग है वो 10वीं है, यानी कि 10th पोजीशन पे है इंडिया। 37 स्थानों का सुधार हुआ है। टॉप कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इस रैंकिंग में टॉप पे है अमेरिका, उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के साथ ही सऊदी अरब भी सेकंड पोजीशन पे है, और एस्टोनिया जो है इस सूचकांक में तीसरे नंबर पे है साइबर सिक्योरिटी के मामले में। याद रखिएगा, हर साल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर उठा लो तो करंट अफेयर से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग हो गया, इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ये आपको बेहतर तरीके से करके जाना है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत 37 स्थानों के सुधार के साथ 10वें नंबर पर पहुंच गया है इस रैंकिंग में, और टोटल 100 में से भारत को जो नंबर मिले हैं वो 97.5 है। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अगर भारत की स्थिति देखोगे तो 4th पोजीशन पे है इंडिया। ठीक, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या है ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1865 में। यहाँ पर आपके मन में एक डाउट होगा, यूनाइटेड नेशन तो 1945 में एस्टैब्लिश किया गया और इसे एस्टैब्लिश किया जा रहा है 1865 में, तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट कैसे हुआ? पहले ये किसी और स्वतंत्र एजेंसी की तरह कार्य किया करता था, और जब यूनाइटेड नेशन गठित हुआ तो ये यूनाइटेड नेशन का एक अभिन्न अंग बन के कार्य कर रहा है। ठीक, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े थोड़ा। इससे पहले कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी आप लोग यहां पर ले लें। क्यों? क्योंकि देखिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस आते हैं, आपका इसे राइटिंग में भी आता है, मेंस एग्जामिनेशन में भी कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है। तो इंडिया के परिदृश्य में साइबर सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण है? जितना बाकी कंट्रीज के लिए है उतना भी है, क्योंकि आज हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया हो गया, कई सारे ऐसे माध्यम हैं जहां पर साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं और यहां पर कई कमियां भी भारत को देखने को मिल रहा है। तो भारत सरकार के पास में साइबर सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार से चैलेंजेस हैं? तो एक दो चैलेंजेस आप ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैलेंजेस है स्वदेशीकरण का अभाव। स्वदेशीकरण का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी साइबर सिक्योरिटी में जो भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, आज भी हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट हैं, तो उसे हमें परचेज करना पड़ता है। तो स्वदेशीकरण का यहाँ पर एक बहुत बड़ा अभाव है, ताकि
अगर हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इन हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर का उत्पादन हमारे ही देश में होने लगे तो एक बेहतर स्थिति हो सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे अगर चैलेंजेस देखोगे तो वर्तमान समय में COVID-19 ही एक चैलेंजेस है, क्योंकि COVID-19 के दौरान जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करा रही है। तो वर्क फ्रॉम होम में भी एक साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय में और आने वाले समय में भी। तीसरे पॉइंट पे अगर हम जाएं तो तीसरा पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि भारत के पास में कोई सॉलिड नीति नहीं है साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नीति नहीं है कैसे, मतलब अगर यूरोपियन कंट्रीज के लिए देखोगे तो यूरोपीय कंट्रीज के पास में एक एजेंसी है GDPR, यानी कि ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसके तहत में वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोटेक्शन दिया जाता है। अमेरिका के पास में भी है क्लाउड, और इसके जरिए वो अपने साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, भारत की तरफ से एक रणनीति लाई गई, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020, जो कि एक बेहतर पहल है, और उसी पहल के आधार पर आप देख सकते हो कि भारत की रैंकिंग में काफ़ी अच्छी सुधार हुई है। तो आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत को और कुछ बेहतर करने की जरूरत है। क्लियर, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है, चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है हाल ही में, किसकी तरफ से, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? तो आंसर होगा आपका चीन। 70 साल से चीन प्रयास कर रहा है कि वह मलेरिया मुक्त हो सके, और फाइनली 30 जून 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चीन को जो है मलेरिया मुक्त कर दिया गया। किसी कंट्री को किसी भी बीमारी से या डिजीज से मुक्त घोषित कब किया जाता है? मलेरिया की सिर्फ यहाँ पर बात नहीं है, जब उस कंट्री में या फिर उस क्षेत्र में पिछले कम से कम 3 वर्षों से उस बीमारी से संबंधित या जैसे मलेरिया से संबंधित कोई भी केस ना आया हो तो उसे मलेरिया मुक्त या फिर कोई भी डिजीज से रिलेटेड हो तो उसे मुक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, 1940 का वो दशक था जब सालाना चीन में 30 मिलियन मामले दर्ज किए जाते थे मलेरिया के, लेकिन पिछले 4 वर्षों से कोई भी स्वदेशी मामला चीन में मलेरिया का नहीं आया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया मुक्त दर्जा किसे मिल सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रमाणीकरण क्या है उस आधार पर मिलता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाले चीन जो है वो 40वां क्षेत्र बन चुका है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब तक 40 ऐसे क्षेत्रों को मलेरिया मुक्त घोषित कर चुका है। और हाल ही में कौन कौन सा कंट्री है जो मलेरिया से मुक्त हो चुका है? तो यहाँ पर 2021 में अल सलवाडोर है, 2019 में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, और 2018 में पैराग्वे और उज्बेकिस्तान, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो हाल फिलहाल में मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। मलेरिया एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे समस्या है? मलेरिया से जो 90% मौतें होती हैं अभी वर्तमान समय में, वो कहाँ होती है? अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। 2000 में मलेरिया से मौतों की संख्या अफ्रीकन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो 7.5 लाख के आसपास हुआ करता था पर साल, लेकिन सुधार हुआ, वक्त बढ़ते गया और धीरे धीरे इसमें सुधार भी हुआ, और 2018 तक ये घटकर हो गया 4,19,000 के आसपास। तो अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है मलेरिया से मौतें होती हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में। भारत के लिए भी यहाँ पर बहुत मलेरिया के कई मामले देखे जाते हैं और कई मौतें भी दर्ज किए जाते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों में भारत ने काफ़ी इस क्षेत्र में कार्य किया है और सुधार भी देखने को मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टैब्लिश किया गया था? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है फुकुओका पुरस्कार 2021। ये जापान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है फुकुओका, और इसी शहर के नाम पे फुकुओका पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार यह पुरस्कार जो है भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को प्रदान किया गया है, और पी साईनाथ के साथ 2 और पत्रकारों को भी यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि पी साईनाथ का नाम याद रखें, इन्हें फुकुओका पुरस्कार 2021 दिया गया है, और पी साईनाथ जो है भारत के एक प्रसिद्ध जो है वो क्या है, पत्रकार है। और फुकुओका पुरस्कार का भी 3 कैटेगरी होता है।
एक होता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और एक होता है ग्रैंड प्राइज। तो इसमें पी साइना को जो फुकुओका पुरस्कार दिया गया है वो ग्रैंड प्राइज के लिए दिया गया है। जो बाकी दो हैं, एक को आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है और एक को इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड में दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है? तो इन्हें ग्रामीण भारत पर उनके लेखन, जो भी इन्होंने रूरल इंडिया में जो इन्होंने लेखन किया उसके आधार पर दिया गया है। टिप्पणी के माध्यम से ज्ञान का एक नया रूप बनाने के लिए दिया गया है। नागरिकों के लिए कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखिएगा। इस पुरस्कार के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यह फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है और यह जो है एशिया संस्कृति के संरक्षण, निर्माण और व्यक्तियों के संगठन के काम करने के लिए दिया जाता है, यानी कि एशिया क्षेत्र में। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला जो टॉपिक है, गोवा पहला रेबीज मुक्त भारत का राज्य बन गया है। रेबीज कैसे होता है आपको पता है कि कुत्ते के काटने के बाद से इंसानों को में रेबीज होता है। कुत्ते के काटने से ही 99% केसों में रेबीज होता है और गोवा एक पहला ऐसा कंट्री स्टेट बन गया है भारत का जो कि रेबीज मुक्त घोषित हुआ है। ठीक, गोवा सरकार के अनुसार राज्य में पिछले 3 वर्षों में से एक भी रेबीज का मामला सामने नहीं आया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि किसी भी डिजीज का कोई मामला अगर किसी क्षेत्र में 3 साल तक नहीं आता है तो उस डिजीज से मुक्त घोषित किया जा सकता है। गोवा के जो है कुत्तों में रेबीज के खिलाफ 540,593 टीकाकरण हासिल किया गया है। यही नतीजा की है कि गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है जो लगभग पूरे कंट्री के पूरे वर्ल्ड के 150 देशों में फैला हुआ है। मनुष्यों में रेबीज के संक्रमण के 99% योगदान किसका होता है? कुत्तों का होता है और प्रतिवर्ष लगभग 55,000 लोगों का जो जान है पूरे वर्ल्ड में वो रेबीज की वजह से जाता है। ठीक, चलिए तो इन बातों को कुछ कुछ याद रखिएगा। याद रखिएगा खासकर कि गोवा पहला ऐसा स्टेट है जो रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021। इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी इंडेक्स होते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो किसकी तरफ से ये रिपोर्ट रिलीज किया गया? रिपोर्ट रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। हाल ही में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर से 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ड्रग्स की जब बात हो रही है तो नशीली ड्रग्स की बात हो रही है जिससे लोग नशा करते हैं। 2020 में 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि ये जो बुरी लत है आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी आबादी इससे ग्रसित है। और वर्ष 2010 से 19 के बीच वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के कारण नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में जो है 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले वर्ष दुनिया में लगभग 275 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया और जबकि 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के उपयोग से संबंधित विकारों से ग्रसित हुए हैं। 275 मिलियन में से 36 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गंभीर बीमारियों से गुजर रहे हैं या फिर गुजरे हैं नशीली दवाओं के कारण। इसके अलावा नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाली बीमारियों के लिए ओपिओइड सबसे उत्तरदायी होता है। नशीली दवाओं में एक तत्व पाया जाता है ओपिओइड, इससे सबसे ज़्यादा ग्रसित जो लोग हैं वो देखे गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी बहुत अधिक मात्रा में नशीली पदार्थों के सेवन करने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप मेंस कंसर राइटिंग करो तो वहाँ पर वैल्यू एडिशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी नशा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के बारे में भी आप लोग यहाँ पर जान लो, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसी की तरफ से ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था और वर्ष 2002 में इसे ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के रूप में नामित किया गया था। ठीक, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्या है ये टॉपिक? COVID-19 के वेरिएंट्स का नामकरण किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। क्यों किया गया है? क्योंकि शुरुआत में जब कोरोना वायरस सामने आया तो चीन से आया, तो उसे चीनी वायरस लोगों ने कहा, तो उस पर चीन ने आपत्ति जताया।
सेकेंड वेव में भारत में डेल्टा वेरिएंट आया तो लोग इसे भारतीय वेरिएंट कहने लगा, तो हम लोगों ने भी आपत्ति जताई। तो कई कंट्रीज की तरफ से आपत्ति जताया जा रहा था क्योंकि उस कंट्री का नाम जोड़ा जा रहा था। तो WHO ने यहाँ पर एक तरीका निकाला और जो भी नए नए वेरिएंट्स आए उस वेरिएंट्स का जो नामकरण है वो ग्रीक वर्णमाला के चार अक्षरों के आधार पर किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जैसे भारत में जो वेरिएंट पाया गया जिसकी वजह से सेकेंड वेव आया वो वेरिएंट का नाम था B16172 और इस वेरिएंट का नाम दिया गया डेल्टा। UK में जो वेरिएंट पाया गया उसका नाम दिया गया अल्फा और इसके अलावा ब्राजील में जो वेरिएंट मिला उसे नाम दिया गया गामा और दक्षिण अफ्रीका में जो वेरिएंट मिला उसे नाम दिया गया बीटा। तो खासकर ये चार वेरिएंट का नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पूछा जा सकता है कौन कौन सा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है, क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स किसकी तरफ से जारी किया जाता है? नीति आयोग की तरफ से जारी किया जाता है। पहला इंडेक्स कब जारी किया गया था? पहला इंडेक्स जारी किया गया था 2018 में और ये इसका तीसरा इंडेक्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है और इस पर नीति आयोग रैंकिंग क्यों रिलीज करता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन की तरफ से अडॉप्ट किया गया एक मिशन है, एक गोल है जिसमें जो कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं उसे अडॉप्ट किया गया है। टोटल जो गोल यानी कि बुनियादी सुविधाएं निर्धारित किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो 17 है। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने इसे अडॉप्ट किया और यूनाइटेड नेशन के साथ बहुत सारे कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया और 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और इन 17 गोल्स में से यानी कि टारगेट में से क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन का 17 गोल किस प्रकार से है। तो नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलनेस, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इस तरह से टोटल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया है। अब इसी गोल के आधार पे नीति आयोग अलग अलग राज्यों ने भी, नीति आयोग के जरिए अलग अलग राज्यों ने भी इस गोल को अडॉप्ट किया और इस गोल पर काम कर रहे हैं। और नीति आयोग इन राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए रैंकिंग रिलीज करती है ताकि राज्यों को खुद को पता चल सके कि इस क्षेत्र में उन्होंने कितना बेहतर कार्य किया है। तो इसी के आधार पर नीति आयोग द्वारा 2020 और 21 यानी कि इस रैंकिंग का तीसरा संस्करण जारी किया गया और मैंने बताया कि पहला संस्करण कब जारी किया गया था, 2018 में। तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत के राज्यों की स्थिति नीति आयोग के इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, इस पर हम नजर डालते हैं। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2021 भारत ने किसकी मदद से विकसित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र की मदद से विकसित किया है। नीति आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इस सूचकांक को जारी करता है। तो पहले ये देख लो कि जो यहाँ पर 17 गोल है तो 17 गोल में से 16 गोल का नीति आयोग इस इंडेक्स को जारी किया है। तो हर एक गोल में कौन सा टॉप स्टेट है उसका यहाँ पर सारा चार्ट दिया हुआ है। जैसे नो पॉवर्टी में देखोगे तो इसमें बेहतर कार्य किया है तमिलनाडु ने, जीरो हंगर में बेहतर कार्य किया है केरला ने, गुड हेल्थ एंड वेलनेस में गुजरात टॉप पे है, क्वालिटी एजुकेशन में आपका केरला टॉप पे है और जेंडर इक्वालिटी में आपका छत्तीसगढ़ टॉपर है। इसीलिए अलग अलग गोल में कौन से स्टेट ने बेहतर कार्य किया, सबसे बेहतर कार्य किया है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम, जैसे मैंने बोला कि 16 गोल्स को टारगेट किया है नीति आयोग ने 17 में से, और राज्यों को जो रैंकिंग दिया गया है, राज्यों का जो कैटेगरी डिसाइड किया गया है चार आधार पर किया गया है यानी कि चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो कैटेगरी है वो एस्पिरेंट है, जिसे 100 में से 0 से 49 स्कोर प्राप्त हुआ है, जिन स्टेट्स को, वो एस्पिरेंट के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। परफॉर्मर 50 से 64, 100 में से जिन्होंने प्राप्त किया वो परफॉर्मर के कैटेगरी में है। फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर यानी कि 100, यानी कि जितने भी गोल्स हैं उन सबको अचीव कर लिया है तो उसे 100 स्कोर दिया जाता है। लेकिन भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसने अचीवर की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया हो, ठीक। तो जितने भी स्टेट है या तो एस्पिरेंट है या तो परफॉर्मर है या तो फ्रंट रनर है, अचीवर स्टेट अभी भारत में कोई भी नहीं है, ठीक। यहां पर देख सकते हो टॉप स्टेट है इस रैंकिंग के, 75 पॉइंट मिला है केरल को, 74 हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु को, 100 में से
72 पॉइंट मिला है आंध्र प्रदेश को, और कौन से कैटेगरी में आते हैं वो नंबर जैसे मैंने पीछे बताया ना, वहां से आप कंपैरिजन करके देख सकते हो। इसके अलावा बॉटम स्टेट ये हैं, बिहार है, झारखंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा। क्लियर है। अगर हम ओवरऑल नीति आयोग के इस रैंकिंग की बात करें तो स्टेट की बात हो गई, अगर हम इंडिया की बात करें ओवरऑल तो एसडीजी का समग्र स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है 2019 वाले रिपोर्ट के कंपैरिजन में, और 60 से बढ़कर 66 हो गया है, कितने में, आउट ऑफ 100 में से। ठीक, तो अगर 66 यहां पर नंबर है तो आप देखोगे कि इंडिया कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से श्रेणी में आता है, तो 66 ये आता है आपका फ्रंट रनर में। ठीक, अचीवर नहीं बना है, फ्रंट रनर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद जो हमारा, हाँ, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रिपोर्ट, ये नीति आयोग का है जो अपने कंट्री के लिए जारी किया गया है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन भी जारी करता है जो पूरे ग्लोबल लेवल का होता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आगे हम स्लाइड्स में देख लेंगे। ठीक, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो पर्यावरण मुद्दों पर निपटने के लिए, पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 का थीम याद रखिएगा, इको सिस्टम रिस्टोरेशन, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन का स्टॉकहोम सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसके बाद से 1972 से प्रत्येक वर्ष जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाने हेतु अडॉप्ट किया गया था इसी सम्मेलन में। ठीक, इसी प्रस्ताव को अपनाया गया था, तो याद रखिएगा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में। चलिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो किसे दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी लेखक हैं जिनका नाम है डेविड डियोप, इन्हें वर्ष 2021 का जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है, और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति हैं, और उन्हें उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी किताब के लिए दिया गया है, तो ये बात याद रखिएगा। हालांकि इन्होंने जो ये किताब लिखा है ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा है, और बुकर पुरस्कार जो है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है तो इस किताब का 2018 में ट्रांसलेट हुआ, उसके बाद इसे बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक एक उपन्यास है जिसमें प्रथम वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस की ओर से लड़ने वाले सेनेगल के एक सैनिक अल्फा नदियाए पर आधारित है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप याद रखना चाहो तो इसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम चांसेस है इस तरह से ज्यादा डीप पूछे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। और इस किताब का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है ये किनके द्वारा किया गया है, तो इनके द्वारा किया गया है इसका अंग्रेजी अनुवाद, इनका नाम है एना मोस्कोवाकिस। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में जाने, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था, तो अगर मैन बुकर पुरस्कार पूछा जाए तो भी याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ही है। पहली बार 2005 में दिया गया था, और यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर एक लाइन आप ध्यान से पढ़िए, अंग्रेजी भाषा में अनुवादित यानी कि अनुवाद के लिए, अगर किसी और लैंग्वेज में किताब लिखा गया है, फ्रांसीसी में हो गया, कन्नड़ में हो गया, किसी भी लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज में ले लो, या हमारे ही कंट्री का कोई लैंग्वेज ले लो, हिंदी में हुआ है या फिर फारसी में हुआ है, किसी भी लैंग्वेज में अगर उपन्यास लिखा गया है, अगर उसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है और वो बेस्ट बुक होता है, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। एक होता है बुकर प्राइज और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को एक कभी मत मानिएगा, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। बुकर पुरस्कार उसे दिया जाता है जो अंग्रेजी में ही उपन्यास लिखता है, और
इंटरनेशनल बुकर प्राइज उसे दिया जाता है जो किसी और लैंग्वेज में लिखा गया हो लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ हो। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। E100 प्रोजेक्ट जून के महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुणे से E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो ये E100 प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुणे से इसे लॉन्च किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के उद्देश्य से एक बेहतर नेटवर्क स्टैब्लिश हो सके, इसीलिए E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है E100 प्रोजेक्ट क्या है, तो याद रखिएगा कि भारत में इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसे बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक बेहतर नेटवर्क स्टैब्लिश हो, इसीलिए E100 प्रोजेक्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि अभी एक छोटे से तौर पर यानी कि छोटे से एरिया में इसे लॉन्च किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या यह सक्सेसफुल होता है या नहीं, फिर इसे पूरे देश भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 भी लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि 2020-25 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितना ब्लेंडिंग किया जाएगा उस पर भी एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। एथेनॉल का ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, देखिए अभी हमारे कंट्रीज में जो भी क्रूड ऑयल परचेस किया जाता है यानी कि हम इंपोर्ट करते हैं, उस पेट्रोल में कुछ एथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जाना कंपलसरी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम से कम हो सके। तो अभी जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 5% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का था 2020 तक, जो हमारा बायोफ्यूल पॉलिसी है उसके अनुसार। लेकिन अगर पूरे कंट्रीज में देखोगे तो पूरा पेट्रोल में अभी ब्लेंडिंग हो रहा है 8% का पेट्रोल में, लेकिन 2025 का टारगेट है कि यह 8% जो है वो 25% में बदल जाए। यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल का ब्लेंडिंग अगर 25% होता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। कैसे बेनिफिट्स होंगे, जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं जितनी मात्रा में कर रहे हैं वो कम करना पड़ेगा। हमारे कंट्रीज में अगर प्रोडक्शन बढ़ता है एथेनॉल का तो हम क्रूड ऑयल कम परचेस करेंगे, उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम हो सकते हैं और इस तरह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एमिशंस कम होंगे, तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर एथेनॉल का ब्लेंडिंग बढ़ाया जाता है। तो 2014 तक अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1.4% या 5% के आसपास सिर्फ ब्लेंडिंग किया जाता था। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 0% भी ब्लेंडिंग होता है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है। तो इस हिसाब से E100 प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका एक मेंशन कर सकते हो वैल्यू एडिशन के तौर पर। इसके बाद जो अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20, ये रिलीज किया गया है किसकी तरफ से, उस वक्त के शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल, हालांकि अब एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, उनका नाम आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बने हैं, हालांकि ये जुलाई और अगस्त का न्यूज़ है लेकिन जो नए बने हैं उसका अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। रमेश पोखरियाल जून के महीने में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन्होंने जारी किया। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है, तो यह है शिक्षा में परिवर्तन का आकलन करती है। शिक्षा में परिवर्तन का आकलन करने से मतलब ये हुआ कि भारत का कौन सा स्टेट एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए बेहतर कार्य कर रही है और अपने एजुकेशन सिस्टम को पुराने एजुकेशन सिस्टम से नए एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से स्टेट बदल रहा है और कितना बेहतर तरीके से बदल रहा है, इसी के आधार पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हर साल दिया जाता है। ठीक, पहली बार 2019 में इस इंडेक्स को रिलीज किया गया था और ये इंडेक्स रिलीज किया गया था 2017 और 18 के लिए। अगर यहां पर स्कोर देखोगे तो हर स्टेट को स्कोर दिया गया है 1000 में, यानी कि आउट ऑफ 1000 में स्कोर दिया गया है। तो टॉप स्टेट्स की अगर हम बात करें तो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जिन्हें 900 से ऊपर नंबर दिया गया है, यानी कि ये सबसे बेहतर स्टेट हैं। और अगर बॉटम पे आप देखोगे तो लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ को यहाँ पर 700 नंबर दिए गए हैं। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को आप यूज़ कर सकते हो वैल्यू एडिशन में कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए कौन सा स्टेट बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और
जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है और जो नए एजुकेशन सिस्टम है, तो पुराने को बदल कर नए एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा स्टेट जो है बेहतर कार्य कर रही है। तो ये आपके टॉप स्टेट्स हैं। यहाँ पर अगर क्लियर नहीं देख रहा तो पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें क्लियर देख सकते हो। स्टेट वाइज भी हर स्टेट का दिया हुआ है कि कौन से स्टेट ने कितना स्कोर किया है, टॉप फाइव और बॉटम फाइव, ये जरूर याद रखिएगा। तो समझ आ गया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, और पहली बार कब रिलीज किया गया इसे भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सत्र के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है जून के महीने में। किसे? तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला साहिद, इन्हें जो है 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। हर साल एक अलग कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में उस सत्र के लिए, और 76 सत्र के लिए इन्हें जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के कौन है, विदेश मंत्री हैं। यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 सदस्य हैं, इसमें से 191 वोट में से 191 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 143 वोट इन्हें मिले हैं। अब वे संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे और यह जो सत्र है इसी साल सितंबर में शुरू होगा। ठीक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर डायनेमिक पार्ट से क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो तो स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन बन जाता है। स्टैटिक पार्ट मतलब जो बदलता ना हो। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है जनरल असेंबली, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो यूनाइटेड नेशन का जो भी पॉलिसीज मेकिंग का काम होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा ही होता है, या किसी कंट्रीज पे जब डिस्कशन करना होता है तो जनरल असेंबली में ही किया जाता है, किसी इशूज पे जब डिस्कशन करना हो तो जनरल असेंबली में ही किया जाता है, पॉलिसी मेकिंग का अगर काम करना हो तो जनरल असेंबली में ही किया जाता है। 1945 में इसका गठन किया गया था, वर्तमान में इसके 193 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक, और यूनाइटेड नेशन का जो भी बजट अप्रूव होता है वो यहीं से होता है। यूनाइटेड नेशन के हम यहाँ पर बात कर रहे थे 6 मेन ऑर्गन्स, यानी कि 6 जो इसके प्रमुख अंग हैं उसके बारे में, कौन कौन सा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ये सेक्रेटरिएट है यूनाइटेड नेशन का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पिछले साल बहुत चर्चा में था, कुलभूषण यादव का जो मामला चल रहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उस पर भी हमने कई बार डिस्कस किया था। तो इसके जो 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अनूप चंद पांडे को इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, जब हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है? नाम है अनूप चंद पांडे। देखिए, इलेक्शन कमीशन में 3 कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके अलावा 2 और कमिश्नर होते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, तीनों ही कमिश्नर को, चाहे चीफ कमिश्नर हो चाहे कमिश्नर हो। और ये कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे, फरवरी 2024 में ये रिटायर हो जाएंगे। और इन्हें अपॉइंट किया गया है जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कौन? सुशील अरोड़ा। जब वो रिटायर हो गए तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, और एक राजीव जो थे वो भी कमिश्नर थे, और एक जगह खाली हो गया था तो उनकी जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये याद रखिएगा, जो हमने मई में पढ़ा था कि सुनील अरोड़ा की जगह सुशील चंद्रा को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कैसे अपॉइंट किया जाता है, इन सारी बातों को हमने पिछला जो मई महीने वाला वीडियो था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक, चलिए यहां पर अब हम आगे इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जानते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए इलेक्शन कमीशन, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, और अगर आपको पता है तो रिविजन हो जाएगा आपका। इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसके पास में खुद का पावर है, ये अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, इसे जल्दी से हटाया नहीं जा सकता, और बहुत सारे इसके पास में पावर्स हैं। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुसार किया गया था, और इसी 25 जनवरी को है प्रत्येक वर्ष
मतदाता दिवस भी मनाया जाता है और आयोग का जो सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है वो नई दिल्ली में स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, इसके अलावा राज्यसभा का इलेक्शन होता है, इसके अलावा विधानसभा का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ये सारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। लेकिन जो राज्यों में म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन होता है या फिर लोकल बॉडीज के जो भी इलेक्शन होते हैं वो चुनाव आयोग इस इलेक्शन को कंडक्ट नहीं कराता। इसके लिए जो राज्यों में इलेक्शन कमीशन को गठित किया गया है वो उत्तरदायित्व होते हैं, जो पंचायत का चुनाव होता है या फिर जो नगरपालिका का चुनाव होता है उसके लिए। याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव भारतीय चुनाव आयोग किन चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है और अगर नगरपालिका, पंचायत ये सब ऑप्शन हैं तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। ठीक, भारत का संविधान इसके लिए एक अलग निर्वाचन आयोग का गठन करता है, जैसे मैंने आपको बताया पंचायतों के चुनाव के लिए। अब जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इनका कार्यकाल कितने समय तक के लिए होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका जो टेन्योर होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए ये होता है। और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो कैसे? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, यानी कि दोनों ही हाउसेस, लोअर हाउस और अपर हाउस में 2/3 की मेजोरिटी से महाभियोग पास किया जाता है और इन्हें हटाया जाता है। तो इनके पास में जो पावर है वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो हमारा संविधान का भाग 25 जिसमें अनुच्छेद कितना 324 से 229 तक इलेक्शन कमीशन से संबंधित सारे प्रोविजंस किए गए हैं। इतने पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ये है अगला टॉपिक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड, जिसके लिए अभी देश में एक आंदोलन भी चल रहा है, किसान आंदोलन। बार बार कहा जा रहा है किसानों की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानून बनाकर पास किया जाए। हालांकि अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है वो किसी कानून के तहत नहीं दिया जाता है, रिकमेंडेशन के तहत दिया जाता है। लेकिन किसानों की मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून के तहत दिया जाए ताकि इसे कभी खत्म ना किया जा सके। ठीक, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 और 22 के लिए खरीफ फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इन्होंने निर्धारित कर दिया है। देखिए, जब कभी भी किसी सीजन में उस फसल का बुआई होता है उससे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है। जैसे जून के महीने में जो खरीफ फसल होते हैं, जैसे धान हो गया और बाकी फसल हो गया, इनका बुआई शुरू होता है, तो इस समय जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये है कि सरकार द्वारा आपकी फसल को जो सरकार ने दर तय किया है उससे नीचे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जाएगा, यानी कि उतने पर तो आपकी फसल को खरीदा ही जाएगा। ये होता है सरल शब्दों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब। केंद्र सरकार ने धान के लिए एमएसपी में 72 रुपए की वृद्धि की है इस वर्ष और 2021-22 की फसल के लिए 1940 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी जो है वो की जाएगी। और एमएसपी का सिफारिश कौन करता है ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमएसपी का सिफारिश, जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रिकमेंडेशन के आधार पर दिया जाता है, और ये रिकमेंड कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, इसी की तरफ से रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट जो है उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है अंतिम फैसला लेती है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 12 अनिवार्य फसलों पर दिया जाता है, और इसके अलावा जो गन्ने पर दिया जाता है FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये गन्ने पर अलग से दिया जाता है। 22 अनिवार्य फसलों पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है वो इसके द्वारा तय किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और जो गन्ने पर सपोर्ट प्राइस दिया जाता है वो FRP के तहत दिया जाता है, यानी कि इसके द्वारा ही रिकमेंडेशन किया जाता है। तो खरीफ सीजन के लिए 14 फसलें जो है वो MSP के अंडर में आते हैं, और रवि सीजन के लिए 6 फसलें जो है MSP के अंडर में आते हैं, और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें अनिवार्य फसल के तहत में आते हैं वो MSP में आते हैं। ये लिस्ट दिया हुआ है धान पर जितने भी खरीफ फसल हैं उस पर किस प्रकार से MSP तय किया गया है, कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, ये सारा डेटा यहां पर दिया हुआ है। तो जब PDF आप लोग डाउनलोड करोगे तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ जरूर लेना, इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए अगला टॉपिक है 47वां G7 शिखर सम्मेलन।
वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया कोविड-19 की वजह से, और G7 का इस वर्ष अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, तो G7 का इस वर्ष जो अध्यक्षता है वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। 46th पिछले वर्ष जो G7 का सबमिट होना था अमेरिका में होना था, लेकिन किसी कारणवश वो सबमिट हो नहीं पाया, और इससे पहले जो लास्ट सबमिट हुआ था वो फ्रांस की अध्यक्षता में हुआ था, तो इतने बात को भी आपको याद रखना है। और 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित हुआ जून के महीने में, कहाँ आयोजित हुआ, वर्चुअल रूप से हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ब्रिटेन की अध्यक्षता में हुआ। भारत को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था इस शिखर सम्मेलन में, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। भारत के अलावा दो कंट्रीज और थे जिन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, वो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ठीक, इस बार शिखर सम्मेलन में मेजबानी ब्रिटेन ने की जैसे मैंने आपको बताया, और 2019 में फ्रांस में हुआ था और 2020 में अमेरिका में होना था लेकिन हो नहीं पाया था। ग्रुप ऑफ सेवन क्या है, यानी कि यह एक 7 देशों का संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका स्टैब्लिश जो है 1975 में किया गया था। वैश्विक यानी कि ग्लोबल जो भी इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं या फिर जो भी ट्रेड करना है, जो भी डील करना है, इन कंट्रीज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड किस प्रकार से हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या हो, पॉलिसी मेकिंग पे ये 7 कंट्रीज जो है मिलकर बैठते हैं और बात करते हैं। 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, इसके मेंबर ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, इसके 7 मेंबर हैं। और ये जो 7 कंट्री हैं वो G20 का भी हिस्सा हैं, और भारत भी G20 का हिस्सा है। ठीक, और G20 को इस्टैब्लिश इन G7 कंट्रीज के सदस्यों द्वारा ही किया गया था, क्योंकि G7 में सिर्फ 7 कंट्रीज थे, सीमित थे, और G20 को इसलिए इस्टैब्लिश किया गया ताकि ज्यादा कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री के साथ में डेवलपिंग कंट्री भी इन्वॉल्व हो और वहां पर एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाया जा सके, बेहतर पॉलिसी मेकिंग का कार्य किया जा सके, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला जो टॉपिक है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 हाल ही में किसे दिया गया, तो भारतीय मूल की पत्रकार है मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस ब्रुशेक को, इन तीन लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया गया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन के बारे में। इन्हें यह पुरस्कार चीन के सिंजियांग प्रांत में जो मुसलमानों के उइगर मुसलमानों के लिए जो बनाया गया था, डिटेंशन कैंप होता है कि अगर कोई माइग्रेंट्स होते हैं तो उन्हें डिटेंशन कैंप में कई कंट्रीज के द्वारा रखा जाता है। उस कैंप में रखने का मतलब है कि उस कैंप से बाहर नहीं जा सकते, उनका सीमित क्षेत्र होता है और उन पर कई तरह से कहा जाता है कि अत्याचार भी किया जाता है डिटेंशन कैंप वालों को। तो चीन में के इस प्रांत में डिटेंशन कैंप बना हुआ था और इसी की जानकारी को उजागर करने के लिए इन्हें जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 का। इस पुरस्कार के बारे में भी जान लीजिए, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है। तो अमेरिका में दिया जाने वाला इन कैटेगरीज में पुरस्कार दिया जाता है और पूरे ग्लोबल लेवल पे जो भी इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के साथ जो स्थापना है 1917 में किया गया था और यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिया जाता है और प्रत्येक विजेता को जो है प्रमाण पत्र के साथ $15,000 की जो है वो राशि भी दी जाती है। क्लियर, चलिए अगला जो टॉपिक है फ्रेंच ओपन 2021। आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक होता है अमेरिकन ओपन, और इसमें से एक है फ्रेंच ओपन जिसका आयोजन 2019 में हुआ और नोवाक जोकोविच ने अपना 19वां ग्रैंड स्लैम जो है वो फ्रेंच ओपन 2021 के तहत जीता है। नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, इन्होंने और इस फ्रेंच ओपन को जो है रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रत्येक वर्ष जो है मई के अंत महीने में शुरू किया जाता है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, अगर खिलाड़ी का नाम आपको पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, रोजर फेडरर ने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीता है, इनके साथ ही राफेल नडाल ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीता है और नोवाक जोकोविच इन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक, यहां पर 13 दिया हुआ है, ये गलत है, ये 19 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हाँ, एक बात और, नोवाक जोकोविच कौन से देश के खिलाड़ी हैं, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए, जैसे हमने बात कर रहा था ना, नीति आयोग द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर रिपोर्ट रिलीज किया गया था वो हमारे स्टेट्स के रिपोर्ट थे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की तरफ भी जारी किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन का अगर ओवरऑल कैटेगरी में रैंकिंग पूछा जाए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया का रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 120, यानी कि 120 रैंकिंग है 2021 के इस रिपोर्ट के अनुसार।
टॉप कंट्रीज की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो फिनलैंड, स्वीडन, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, बेल्जियम, ये इसके टॉप कंट्रीज हैं। ठीक, चलिए अगला, सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले जो सत्य नडेला थे वो 2014 से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में वो बतौर सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें क्या चेयरमैन बनाया गया है। सत्य नडेला के बारे में याद रखिएगा कि भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1967 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सत्य नडेला को अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछ सकते हैं। एक और इंडेक्स, इस इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। इसे हाल ही में रिलीज किया गया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक के तहत, जिसमें भारत ने इस वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है इस 2021 में वो है 43वां, यानी कि 43। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता को लेकर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है, यानी कि इसे रिलीज किया जाता है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब हो गया प्रतिस्पर्धात्मक, और इसका मतलब हो गया कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कौन सा ऐसा कंट्री है जो इस ओर अग्रसर बढ़ रहा है, और कौन सा बेहतर कॉम्पिटिट कर रहा है, कौन सा बेहतर कंट्रीज, उसी के आधार पर इसका रैंकिंग रिलीज किया जाता है। तो भारत की रैंकिंग क्या है, 43। ठीक, अब यूरोपीय देश, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है, स्वीडन जो है द्वितीय स्थान पे है, डेनमार्क जो है तृतीय स्थान पे, और नीदरलैंड जो है वो चौथे स्थान पे है। ठीक, इस रैंकिंग में क्षेत्रीय ताकत को दर्शाता है यूरोप, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इस इंडेक्स को पहली बार रिलीज किया गया था कब, 1989 में प्रकाशित किया गया था। और इसका संकलन कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि आईएमडी द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। और वर्ष 2021 में आईएमडी ने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव का भी जांच किया है, उसके बाद ही इस रिलीज को रिलीज किया गया है। ठीक है, 14 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान किया जाता है इस इंडेक्स में। चलिए अगला जो टॉपिक है, भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय खेल के इतिहास में सबसे बेहतरीन एथलीट में से एक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कोविड-19 से पीड़ित थे, और मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह, इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 नवंबर 1929 को हुआ था, जब देश का विभाजन हो रहा था, जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग देश बनने वाले थे, तो उस समय इनके 8 भाई और बहनों की मौत हो गई थी उस दंगे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनके स्ट्रगल का अनुमान यहाँ से लगा सकते हो। द फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद रोम ओलंपिक्स में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कुछ माइनर एकदम सेकंड्स की वजह से ये चूक गए थे, मेडल नहीं जीत पाए थे। और 1958 में उन्होंने नेशनल गेम्स 200 और 400 मीटर में रिकॉर्ड बनाया। एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 1958 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके जीवन पर आधारित भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म भी बना हुआ है, याद है, जिसमें फरहान अख्तर रीड रोल में थे, यानी कि मिल्खा का किरदार इन्होंने निभाया था। इसके बाद आज के इस वीडियो का जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, यह है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपने देखा है कि विश्व शांति सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से इसे रिलीज किया जाता है। और ये एजेंसी कहाँ है, तो सिडनी में है, और 15वां संस्करण है जो कि हाल ही में जारी किया गया है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति का विश्व का एक प्रमुख माप है, यानी कि इंडिकेटर है, और इस सूचकांक में टोटल 163 देशों को शामिल किया गया है, और शांति के स्तर के अनुसार रैंक प्रदान किया गया है। टॉप कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो लगातार 2008 से जो टॉप पर है वो आइसलैंड है, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे है, डेनमार्क तीसरे नंबर पे है, पुर्तगाल चौथे नंबर पे आ जाता है। यहाँ पर आप टॉप कंट्रीज के नाम देख सकते हो। और अगर हम इसके बाद
सबसे बॉटम की बात करें तो अफगानिस्तान इस रैंकिंग में सबसे नीचे है। भारत की अगर हम बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 2 पॉइंट्स का बेनिफिट हुआ है। यहाँ पर भारत को 135वें स्थान पे है, अभी इससे पहले 137वें स्थान पे था पिछले वर्ष। इस साल का रैंक याद रखिएगा 135वां। इसके अलावा साउथ एशिया में 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश है भारत। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल शीर्ष है, साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं, शीर्ष पर है। पहले नंबर पे साउथ एशिया में भूटान है और दूसरे नंबर पर नेपाल है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है याद रखिएगा, टॉप कंट्रीज कौन से हैं याद रखिएगा, और साउथ एशिया में भारत की स्थिति किस प्रकार से याद रखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आपका जून कंप्लीट हो गया, जुलाई और अगस्त ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और बहुत जल्द हम फिर से वापस जो रेगुलर एनालिसिस किया करते थे उस पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।